अलर्ट रह चुकी है। डर लग रहा है। के पास है चल जाए यहाँ पे डैमेज उस ब्लास्ट से छका सकती बट कार्निवल गेमिंग क्या रिटेलिएट कर पाएगी, क्या जवाबी कार्रवाई कर पाएगी, ये सब देखना अभी के लिए बाकी है। बट जी गॉड आपके पास वो अच्छे एंगल्स है, अपोलो निकालेंगे नियो का फ्रैग, जेरी करेंगे वो सुनिश्चित, बट गॉब्लिन अभी भी यहाँ पर जीवित है। गॉब्लिन एंड हेक्टर क्या ये जोड़ी, क्या ये डुओ निकाल पाएगा, मुझे तो काफी मुश्किल नजर आया क्योंकि गॉब्लिन को भी खत्म कर दिया गॉब्लिन में, यानी टीम कार्निवल गेमिंग भी एलिमिनेट होती नजर आएगी। एक चेन रिएक्शन से चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर इस फाइट में, लगा नहीं था कि इस प्रकार पहले टीम एक्सपार्क उसके टॉक्सिक है भाई सेट करते हो लाइक फॉर रियल डूड पोजीशन पे हमें पॉइंट मिलेगा दैट्स अगेन अ गुड प्लस पॉइंट फॉर अस। जीजी भी होते जिन्होंने स्किप्स को भी डाउन किया बट अभी के लिए दीजिए एस पावर उनके द्वारा, वो एक फ्रैग तो चुराया गया था, जेली को भी डाउन किया। दिक्कतें यहां पर अब टीम गॉडलाइक के लिए बिकॉज़ दो ही प्लस मात्र बचेंगे और जॉनथन वो उस फ्रैग को कंफर्म करेंगे बड़े आराम से। डीबीएस का एक बहुत अरे अरे जान प्रयोग अगर हम बात करें 5 फिनिशेस ओवरऑल आपको दिख रहे हैं यहां पे टीम गॉडलाइक के पास और 9 टीमें बची। अगर सर्वाइवल में लिखे गॉडलाइक को यहां से तो एक बड़ा गेम बन सकता है। अपोलो 2 फिनिशेस हैं बट एचपी काफी कम, जल्दी कंपाउंड की तरह आना पड़ेगा। ओपन में जाएंगे करेंगे तो सामने से भी कुछ फायर आ सकते हैं लेकिन नॉक्स सामने से जरूर कवर में आ गए लेकिन यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि चलिए आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से नॉकआउट किया जा सके। अपोलो बाल बाल बचे, वो ग्रेनेड की सटीकता देखिए बहुत ही करीबी उनके सामने यहाँ पर ग्रेनेड पड़ता नजर आया था बट पीछे से आप खिलाड़ी देखिए वो इन्फॉर्मेशन निकाल के चल चुका है। बट क्या जॉनथन के बारे में आईक्यू सोल और या बाकी खिलाड़ी को अंदर 2 प्लस के साथ आई और अभी भी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है जो 2 प्लेयर्स है वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि सर्वाइवल चले बट यहां ओपन ने सैम ने स्पॉट किया। ये गलती हो गई जॉनथन के ऊपर। जॉनथन ने डाउन कर दिया। व्हाट कैसे सैफ ही वाज नॉट इवन एक्सपोज्ड दैट वे। वो पूरा ओपन में आते हुए जॉनथन को देख रहे हैं और उसके बाद स्प्रेस करके खुद कवर में आए स्टिल डाउन हुए। बट चलिए ट्रायआउट की वो नेट चली जिसने खत्म किया एटलीस्ट और यहां पे टीम गॉडलाइक ले दिखते बट बीबी के सैफ ये क्या ब्लंडर था। कौन बोला रे टू फिंगर चलता रही अभी टाइम पे चलाने वाला होना चाहिए रे वरना तो लोग 5 फिंगर में भी हट देते हैं। सिगोर्ड का मेरे जैसा नसीब हो गया बेस्ट राइवलरी मेरे को तो लग रहा है अभी तक मतलब मेरे को क्या लगता है सबसे आइकॉनिक राइवलरी अब तक ईएसएफ वर्सेस सोल भी नहीं हुआ जितना मतलब उससे एपिक टूर्नामेंट आज तक ना बीजेएमआई में हुआ है ना पबजी में हुआ है मतलब बीजीएमएस जो पहला वाला था जो जिसमें हम लोग सेकंड आए थे और वो इधर स्ट्रीम हुआ था टीवी पे भाई फाइनल्स का पहला मैच गॉडलाइक और सोल टॉप 3 जिसमें पहला 1v3 गॉब्लिन ने किया और इंस्टेंट गॉड ने 1v3 किया पहले 2 वीक्स सोल टॉप पे और हम 16th पे क्वालिफाई लास्ट वीक सोल क्वालिफाई नहीं हुई 3rd वीक के लिए और हम सेकंड है फाइनल्स के स्टार्टिंग में लास्ट मैच तक नेक टू नेक कि कौन जीतेगा हम में से और दोनों में से कोई नहीं जीता और ग्लोबल स्पोर्ट जीती अभी तक के हिस्ट्री का वो गोटेड टूर्नामेंट था भाई उसकी वाचिंग उसका सब फाड़ डाला था लेकिन नहीं भाई वो गोटेड था वो टूर्नामेंट कुछ ये बहुत बड़ा रिस्क है अब मुझे लग रहा है बाकी सब उनके पीछे पड़ने वाली शायद। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।